नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं दिल्ली की सीरीज़ में फिरोज शाह कोटला किले के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त फिरोज शाह कोटला किले के अंदर हूं, जो आप चारों तरफ नज़ारा देख रहे हैं। इस फिरोज शाह कोटला में लगभग अब जो भी चीज़ें बची हैं वो खंडर के रूप में बची हुई हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, कोटला जो किला है दिल्ली की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। दोस्तों, फिरोज शाह कोटला किला सन 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। इस किले का निर्माण तब किया गया था जब शासक ने पानी की कमी के कारण अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से फिरोजाबाद लाने का निर्णय लिया था। इस किले को यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे, किले के अंदर शानदार बगीचे हैं, मस्जिद है, महल आदि हैं। किले के प्रवेश द्वार पर शासकों के नाम वाला एक विशाल लोहे का गेट है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बगीचे, मस्जिद, महल, किले का प्रवेश द्वार आदि लोहे का जो भी है, आगे चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि हम किले के अंदर आ चुके हैं, आप सामने इसमें बोर्ड में देख रहे हैं, पढ़ पा रहे होंगे कि ये महल के खंडर हैं। दोस्तों, जो किले की दीवारें हैं 15 मीटर ऊंची हैं और बाहर की ओर से थोड़ी सी ढालू है। ऊंची मुनेर या कंगूरे अब लुप्त हो चुके हैं, किंतु तीर चलाने के लिए बने छिद्रों को आज भी देखा जा सकता है। फिरोज शाह के समकालीन इतिहासकारों ने किले में मौजूद कई भवनों का उल्लेख किया है। किले में एक मृत्युमय दरवाजा महल है, दरबार महल है, जो सुल्तान का दरबार था, जिसमें कुलीन वर्ग, अधिकारीगण और प्रतिष्ठित विद्वान शिरकत किया करते थे। दोस्तों, इस को जो सुल्तान उनके परिवार को निवास के लिए बनाया गया ये महल है, जो आप देख सकते हैं अब ये खंडरों में तब्दील हो चुका है। तो चलिए और इसके आगे देखते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने बोर्ड पढ़ा था, इस महल में जो दीवारें हैं उनमें जो तीर कमान चलाने या बंदूक चलाने के लिए जो छेद थे वो इस प्रकार बने हुए आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ भी है कुछ छेद है जहाँ से लोग देख के और अपने दुश्मनों के ऊपर निशाना लगा सकते थे, और कुछ बड़े छेद है जहाँ से तोप खाना आदि के लिए भी इन छेदों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ये मोटी मोटी जो आप सामने एक दीवार देख रहे हैं, लगभग 15 मीटर ऊंची दीवार है, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, पहले इसके अंदर मेहराबदार छत था, ऐसा लोगों का मतलब यहाँ लोगों का मानना था। अब आप देखिए मेरे साथ इन बड़े बड़े छेदों को, अब इसमें इस महल में सिर्फ खंडर के अलावा और कुछ नहीं बचा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको साधारण पत्थरों से बनाया गया ये महल है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ना ही लाल पत्थर ना ही संगमरमर का इस्तेमाल किया, और ये सादा पत्थरों से बनाया हुआ महल है, जो आप चूने और पत्थर से मिश्रण करके बनाया हुआ ये महल है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं दोस्तों। और ये दोस्तों कुछ और इसी महल का हिस्सा है जो मैं आप देख रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ इस महल के और दूसरे हिस्से में आपको लेके चलता हूँ। तो चलो दोस्तों, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फिरोज शाह कोटला का जो महल का एक अहाता है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ जो महाराज थे वो आके यहाँ लगभग अपनी जो भी प्रजा है या अपने जो कर्मचारी उनको यहाँ पे एकत्रित करते थे, उनसे उनका जो भी निर्णय हुआ करता था इसी अहाते में हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, इसको और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, ऐसी मानता है कि इस किले को भूताह किला कहते हैं। अब उस भूताह वाली जगह में मैं आपको सामने देख रहे हैं, वो जो भारत का झंडा है उसके पीछे एक मीनार टाइप की बनी हुई है उस। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, जो ये बगीचा बना हुआ है लगभग महल के 80% भाग में बना हुआ है ये बगीचा है। तो इसी बगीचे के रास्ते मतलब इसी बगीचे के साथ चलते हुए हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अशोक स्तंभ। दोस्तों, यह 3 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को स्थापित करने के लिए करवाया था। मूल रूप से इस स्तंभ की स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अंबाला
के निकट टोपरा में की गई थी, जिस पर अशोक के धम संबत्ति राजगायें अंकित है। पत्थर के इस स्तंभ की ऊंचाई 13 मीटर है, जिसका व्यास ऊपरी भाग में 65 सेंटीमीटर और निचले भाग में 97 सेंटीमीटर है। फिरोज शाह के आदेश पर इसे काफ़ी प्रयासों के बाद दिल्ली लाकर इसे इस जगह पर स्थापित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं इस मीनार को, इसी मीनार को मीनारे ज़रीन कहा जाता है। दोस्तों, इस मीनारे ज़रीन में ऐसा माना जाता है कि लाठ वाले बाबा रहते हैं, जो आज भी जिन्हों के जो मुखिया हैं वो इसी मीनार पर रहते हैं और उनका इसी मीनार पे और इसी किले पे वास है। इसलिए इस किले को भूत वाला या भूतों का किला भी कहते हैं। दोस्तों, इस मीनार के चारों तरफ अब रेलिंग लगा दी गई है ताकि लोग अंदर ना जा सके। लोगों का ऐसा मानना है कि इसके अंदर जाने से जो जिन हैं, भूत हैं, वो अपने इसे कब्जे में ले लेते हैं। दोस्तों, इसी अशोक स्तंभ में अशोक की लिखी हुई कई बातें हैं और कई ऐसा हिस्सा है जो कि अब नष्ट कर दिया गया है। तो आप चलिए मेरे साथ, और इसी अशोक स्तंभ के साथ एक ये मस्जिद है जहां आज भी लोग अगरबत्तियां जलाते हैं, तो उसके ऊपर मैं लेके चलता हूं। तो चलिए मेरे साथ। इस मस्जिद के ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों लगभग 20 सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ से मैं आपको, दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं मस्जिद पे लेके गया, पर यहाँ प्रवेश वर्जित है, इसलिए इस मस्जिद के अंदर मैं नहीं लेके जा पाया आपको। दोस्तों, इस मीनारे ज़रीन के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इस मीनार के ऊपर लाठ वाले बाबा रहते हैं, जो जिन्नों के मुखिया कहलाते हैं। और ऐसा मानना है लोगों का कि दोस्तों, मीनार में कोई भी अपनी समस्या खत में लिख कर छोड़ जाते हैं तो जिन्नों के मुखिया आपकी हर समस्याओं का समाधान भी करते हैं, ऐसा लोगों का यहाँ मानना है। दोस्तों, दिल्ली में सन 1321 से 1414 तक मुगल तुगलक वंश का शासन रहा। कुल 93 वर्ष के शासनकाल के 11 शासकों ने दिल्ली की सल्तनत को संभाला। इसी वंश का तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक। इतिहासकारों की माने तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में, उनके द्वारा बनाए गए शहर फिरोज़ाबाद को दिल्ली में पांचवा शहर माना जाता है। दोस्तों, यह पहले कई महल बने थे, लेकिन अब सिर्फ इसके अवशेष ही बचे हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दोस्तों, इस महल के पीछे अवशेष हैं, जो इसकी सिर्फ चारों तरफ से दोस्तों दीवारें तोड़ दी गई हैं, छत इसकी टूट चुकी है, सिर्फ अब इसकी जो दीवारें हैं वही बची है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, 10 से 15 या 20 सीढ़ियों के लगभग इसके ऊपर चढ़ने के बाद इस मस्जिद के अंदर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इस किले के अंदर एक मस्जिद भी बनाई गई थी, जिसे जामी मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, इसे जामी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब इसकी सिर्फ एक ही दीवार बची हुई है। तुगलक वंश के शासक के शासन के दौरान यह दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक हुआ करती थी। इतिहासकार बताते हैं कि तैमूर इस मस्जिद से इतना प्रभावित हुआ था कि समरकंद में इसकी जैसी ही मस्जिद बनवाई। तो दोस्तों, ये मस्जिद है, और इसका कुछ थोड़ा सा जो दीवारें हैं, जो एक या दो दीवारें बची हुई हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत ये मस्जिद का द्वार है, यहाँ से मस्जिद की एंट्री हुआ करती थी। और ये मस्जिद का ये कुछ अवशेष है, जो ये दो मंजिला मस्जिद है, नीचे मौलाना मौलवी रहने के लिए जगह बनाई थी, और ऊपर ये नवाज़गाह, नवाज़ पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों, और आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस वक्त हम मीनारे ज़रीन के नीचे खड़े हुए हैं, और आप मेरे सामने, वो ठीक सामने देख रहे हैं इसको, इस किले के अंदर इस एक बावली भी मौजूद है, जो गोलाकार आकृति में बनी हुई बावली है, जो आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं। इस बावली को अब चारों तरफ ग्रिल से लोगों ने, जो शासन है उसने चारों तरफ से इसे बंद कर दिया है, पर इसमें आज भी लोग पानी का इस्तेमाल पीने के लिए पाइपों द्वारा करते हैं। तो चलिए, मैं इस बावली के पास आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस किले के अंदर मैंने आप जैसा आपको बताया कि गोल आकार की आकृति में बनी बावली भी है, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कुआं। जी हाँ दोस्तों, इस कुएं में आज भी पानी मौजूद है। इसका उपयोग उस समय नहाने व गर्मी से बचने के लिए किया जाता था। फिरोज शाह इतिहास का एक ऐसा शासक था जिसे इतिहास और वास्तुकला में काफ़ी रुचि थी। उसने कई ऐसी शिकारगाहें बनवाए और कई ऐसे शहरों की नींव डाली। हौस खास का तालाब, कुतुब मीनार और सूरज कुंड की मरम्मत भी इसी शासक ने करवाई थी। तो दोस्तों, यह है फिरोज शाह कोटला,
किले के अंदर बनी बावली जिसे अब चारों तरफ लोहे से ढक दिया गया है। तो दोस्तों ये था फिरोज शाह कोटला किले के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्तों ये कैसी लगी जानकारी आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों थोड़ा बहुत मैं इसी किले के अंदर मौजूद हूँ और ये पीछे आप हमारे देख रहे हैं ये जो खंडर नुमा जो बचा हुआ ये किले का कुछ अवशेष है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएँ और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।